हिम्मत मोहब्बत ते खुशी दे लामत। मैं आज दी औरत मैं रबिया बाजवा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। औरतों के आलमी दिन के मौके पर मैं अपनी बहनों को कहना चाहवागी कि मैं फखर है कि मैं थोड़ी तरह पाकिस्तान की औरत हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की औरत बहुत मजबूत हिम्मत वाली तो जदोजहद करने वाली औरत है। उन्हें जदोजहद के जरिए अपनी मेहनत के जरिए समाज के तमाम बुराइयों को शिकस्त दी, उन रवायात और रसूमात को शिकस्त दी जी औरत के खिलाफ सन। मेरा तैनू कानून के शोबे नाल है और मैं कहांगी कि मेरी बहनों को इस शोबे के अंदर आना चाहिए है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कानून ने जो तुहाडे हक के अंदर ने, अगर किसी खातून के उत्ते कोई जुल्म होंदा है, कोई जबर होंदा है, तो कभी भी उन्हें बर्दाश्त ना करो क्योंकि कानून जड़े ने तुहाडे तफज़ लई मौजूद ने। इसी तरह अगर कोई बड़ी अहम गल मैं करांगी कि अगर कोई तुहानू विरासत के हक तो महरूम करता है तो और वह जुर्म है, कोई किसी अपनी खातून नू, किसी अपने खानदान की खातून नू, कोई भी शख्स विरासत तो महरूम नहीं कर सकता। तो जे कोई इस तरह करता है तो तुहानू अदालत दे नाल तुहाडे रजू कर सकते हो, उत्थे पूरा एक कानून मौजूद है। इसी तरह जो तुहाडे खानदानी मसाइल ने, अगर कोई खातून चाहती है कि मैं अपने शोहर नाल नहीं रहना या मेरी शादी मसाइल का शिकार है तो वह अदालत तो रजू कर सकती है अपने निकाह की तनसीख निकाह लई। इसी तरह एक और बड़ी अहम गल है कि जी खवातीन साड़िया बहन दफातर से काम कर दियां ने या अदारिया से काम कर दियां ने, उत्थे कोई शख्स तुहानू तंग करता है तो उसके खिलाफ भी तुहाडे कोल कानून हैगा जो तुहाडे बुनियादी हकूक नूं तहफुज देता है। आखिर च मैं गल करांगी कि जिहड़े साडे मसाइल ने उन्हां दा हल एक दो चीज़ों के अंदर है। एक तो तुसीं तालीम हासिल करो, दूसरा तुसीं माली तौर पर मुस्तहकम होवो, और तीसरी गल है कि एक दूजे का साथ दवो, क्योंकि वो जरा कहें ना कि औरत की दुश्मन है, बिल्कुल गलत कहें, यह समाज औरत का दुश्मन है जरा अपनी फरसूदा रवायात की वजह न औरत को दबाना चाहता है। तो साडा फर्ज बनता है कि असी तमाम भैन मिलजुल कर जदोजहद करिए ताकि असी पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर मुआशरा जोड़ा है उन्होंने पैदा करिए। बहुत शुक्रिया। ते खुशी दी अलामत। मैं आज दी औरत, मेरा नाम है तुमसीदा चिश्ती, मैं सहाफ़ी हूँ और मैं 30 साल तो ज़्यादा अरसे तो सहाफ़त के पेशे में व्यस्ता हूँ, और मैं पहली खातून है जिन्हों एजाज़ हासिल है कि वह नैशनल डेली की एडिटर रह चुकी है। इसके अलावा मैं लाहौर प्रेस क्लब की पहली इलेक्टेड खातून गवर्निंग बॉडी की मैंबर सा। मेरे तो पहले कोई खातून इस अहदे तक नहीं सी पहुँची। मेरा जोड़ा यह मानना है कि अगर असी औरतां हिम्मत दे नाल और हौसले दे नाल अगे वधण दी कोशिश करिए तो असी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और मेरा तुहाडे इस चैनल के तवस्सुल नाल खवातीन नूं यह पैगाम है कि अगर वह अगे वधना चाहुंदियां ने सब तो पहले तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करन, उस तो बाद तालीम हासिल करन और मुआशी तौर पर अपने आप नूं मजबूत करन दी कोशिश करन। जिहड़ी औरत मुआशी तौर पर मजबूत है वो दुनिया की किसी भी चीज का डट के मुकाबला कर सकती है। शुक्रिया। हिम्मत मोहब्बत ते खुशी दी अलामत। मैं हाँ अज दी औरत, मेरा नाम है शबाना अब्बास, मैं एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी चो कर रही हूँ, मैं सूफी गायक हुई हाँ। अलहमदुल्ला मैनू ये एजाज हासिल है कि मैं कुल मुकाबला हीर वारिश हाँ पाकिस्तान दे विचों फस्ट इनाम हासिल किया, जिहड़ा मुकाबला मर्दा दे विच होया सी 2012 दे विच ब्लाक दे विचों अलहमदुल्ला। तो मैं सब तो ज़्यादा हीर वारिश हाँ गाई, मैं वह फस्ट खातून हाँ जिन्हें सब तो ज़्यादा हीर वारिश हाँ गाई, तो मेरे एल्बम भी हीर वारिश हाँ च सब तो ज़्यादा रिलीज होए। तो मैं अज की औरत नूं यह पैगाम देवांगी कि तुसी तलीम हासिल करो जिन्नी हो सके ताकि तुसी अपनी आने वाली नस्लों नूं संवार सको, किसी भी मुकाम या जगह तो हो अपने आप नूं फाइनैंशली स्ट्रोंग रखो, तो और सब तो वड्डी गल तुसी अपने कल्चर अपनी जबान नूं अपनावो, इहदे तों दूरी अख्तियार ना करो। तो अपनी अगर असीं अपनी जबान ते कल्चर नूं अपनावांगे असीं कामयाब रहांगे, तो अपने बच्चों नूं पंजाबी तलीम देवो, पंजाबी सिखावो, तो पंजाबी तलीम अपने घर भी बोलो बाहर भी बोलो, तो असीं साडी माँ बोली जबान है। मेरा अज दी औरत वास्ते इह पैगाम है। बहुत शुक्रिया। हिम्मत मुहब्बत ते खुशी दी अलामत। मैं हाँ अज दी औरत, मैं हाँ सायरा ताहिर। अज असी गल करांगे जी 8 मार्च के हवाले नाल वुमेन्स डे।
औरतों का आलमी दिन जो कि बड़े भरपूर तरीके नाल हर जगह मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान च बड़े खास तरीके नाल हमेशा कोशिश की जाती है कि इस दिन मनाया जाए। और इस दिन मनाने वास्ते पहले जड़ी गल है वह यही होंगी है कि इस दिन मनाने वास्ते हमेशा यह कोशिश की जाए कि ना कि असी दिन समझ के इनू मना लीए, असी जो औरतों के बकायदा सारे हकूक ने उन्होंने पूरा करिए। औरत एक अच्छी माँ है, औरत एक अच्छी बेटी है, औरत एक अच्छी भैन है, औरत एक अच्छी बहू है। तो यह सारिया चीज़ा वेखते हुए असी औरत हकूक के नाल उन्होंने कितने वेखने, तो असी क्या जड़ा हक सानू मुआशरे ने दिता है औरत नू देने वास्ते असी वो दे रहे हैं, या इस्लामी तरीके नाल औरतों के जड़े हकूक ने उहदे च असी किन्ना क इंसाफ कर रहे हो और किन्ना क नहीं कर रहे। तो जी बिल्कुल 8 मार्च औरतों का आलमी दिन जड़ा बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन ये गौर करना चाहिए तुहानू कि तुसी औरतों के हक च किन्ना क इंसाफ कर रहे हो। और हर फील्ड च मैं तो वेखिया कि बहुत सारी खवातीन जड़िया ने वो बड़ा भरपूर तरीके नाल आ रही ने, खाओ पढ़ाई होवे, कोई नौकरी होवे, बैंक की नौकरी होवे, टीचर होवे, कोई मीडिया की जॉब होवे, ते जिथे मर्द हजरात बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ तरक्या समेट रहे हैं, तो मेरे ख्याल नाल इत्थे यह कहना बिल्कुल इंसाफ की गल है कि औरतां भी उन्होंने शाना बशाना ने और हमेशा औरत ने साथ दिता है हर हाल च, घरेलू मामला हो या बाहर के मुआशरी मामला हो, हमेशा औरत जड़ा वो भैन की सूरत माँ की सूरत बीवी की सूरत साथ देती है। तो इसलिए हमेशा सब तो पहले जड़ा वो रिस्पैक्ट जी इज्जत जी औरत की बहुत जरूरी है, तो हर मुआशरे हर जगह पर यह लागू कानून होना चाहिए है कि तुसी औरत रिस्पैक्ट की नज़र नाल वेखो, उसकी इज्जत करो और उन्हें कभी भी कमतर ना समझो। तो यह एक छोटा जिहा पैगाम जड़ा कि मैं 8 मार्च के हवाले नाल तुहाडे नाल शेयर किया, उम्मीद कर रही हाँ कि तुसी इस गल ते बिल्कुल गौर करोगे और असी आने वाले टाइम च इंशाल्लाह औरत नूं एक अच्छे और मुकाम ते वेखांगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत मोहब्बत ते खुशी दी अलामत। मैं हाँ अज दी औरत। मेरा नाम है रुश्ता लोधी, तो मेरा ताल्लुक है पेशा वकालत दे नाल। वकालत दे नाल नाल बार दी सियासत दे विच भी मैं हमेशा दिलचस्पी ली, और पिछले साल मैं पंजाब बार कौंसल दा इलेक्शन लड़िया, तो अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल अल्लाह पाक ने कामयाबी नवाजी, तो इस वक्त मैं मैंबर पंजाब बार कौंसल हाँ। तो मेरे को एजाज हासिल है कि पंजाब बार कौंसल के 75 मैंबर दे विचों मैं एक वाहिद खातून हाँ जिहड़ी मैंबर पंजाब बार कौंसल बनी। इस तो इलावा मुल्क दे बाकी सूबियां दे विच भी बार कौंसल मौजूद ने, लेकिन होर किसी सूबे दे विच भी किसी बार कौंसल दे विच भी कोई होर खातून बार कौंसल दी मैंबर नहीं, यानी कि पूरे पाकिस्तान दे विच इस वक्त वाहिद खातून मैंबर बार कौंसल सिर्फ मैं ही हाँ। अल्लाह पाक दी करम नवाजी तो बाद मेरे माँ बाप दी दुआवां दा किरदार है, मेरे दोस्तां दी मेहनत शामिल है, मेरे भैन भरावां दा साथ शामिल है, तो उस तो इलावा सब तो वध के मेरे हसबेंड, मेरे शरीके जिंदगी, मेरे शौहर जाहिद बशीर जड़े एडवोकेट ने उन्हां दा भरपूर तावन साथ और सपोर्ट शामिल है। अज औरतों के दिन के मौके पर औरतों को यह पैगाम देना चाहनी हाँ कि औरत अपने अल्लाह ताला दे दसे हुए रास्ते दे मुताबिक एक जिहड़ी उन्हें लिमिट दिती गई है उहदे विच रहिंदे होए वो दुनिया का हर मुसबत काम कर सकती है। ज़रूरत सिर्फ यह है कि औरत हिम्मत कर ले, और औरत दे विच मैं समझदी हाँ मर्द तो ज़्यादा हिम्मत है। हर औरत च क्वालिटी और खूबी हुंदी है। मैं अज दे मर्दां नूं अज औरतां दे दिन दे मौके ते एक पैगाम देना चाहवांगी कि वो अपने नाल जुड़ी हुई हर औरत, चाहे वह उन्हां दी भैन है, उन्हां दी माँ है, उन्हां दी बेटी है या उन्हां दी बीवी है, वो दी हर मुसबत अंदाज दे विच सपोर्ट करो, उहदा साथ दिओ, ते फिर तुसी देखना कि अगले आने वाली नस्लां जिहड़ियां ने वो किन्नियां खूबसूरत होणगियां, साडा मुआशरा और साडा मुल्क बेइंतहा तरक्की करेगा और
अल्लाह पाक की बरकत दे नाल, अल्लाह पाक दे नाम की बरकत दे नाल इंशाअल्लाह ताला असी अपने मुल्क नूं दुनिया दे टॉप मुल्कां दे विच लै के जावांगे, क्योंकि माँ दी गोद ही बच्चे दे लई उहदी पहली दरसगाह हुंदी है, ते बच्चा भी उतना ही मजबूत और भरपूर शख्सियत दा मालिक होएगा। और एक एक फर्द जुन के फिर माशरा बनता है, ते माशरा जुड़ के फिर मुल्क बनता है, ते मुल्क दी तरक्की जिहड़ी है मैं समझदी उहदे विच औरत दा किरदार सब तो ज़्यादा अहम है, क्योंकि मैं समझदी हाँ असी मावां, असी भैणां, असी बेटियां, कौमां दी इज्जत साढ़े तो है। अल्लाह ताला हम सब दा हामी ओ नासिर होए।